What's up guys, this is Ashish. Welcome to another video, and that's my first tutorial video, how to backflip in 3 steps. So before starting this video, make sure subscribe my channel and press the bell icon and get the notification of my next video. फर्स्ट स्टेप बैकफ्लिप सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज जितनी परफेक्ट होगी, बैकफ्लिप उतनी ही अच्छी होगी। सो मेक श्योर एक्सरसाइज जितनी हो सके उतनी परफेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप की जंप्स करें। तो सेकंड स्टेप है बैक हैंड स्प्रिंग। अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग आती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आती है तो आप साइड बैक मीन्स मंकी से आप जल्दी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मंकी करना होगा और मंकी करते करते धीरे आपको बॉडी स्ट्रेट करना पड़ेगा, जिससे आप बैक हैंड स्प्रिंग जल्दी और ईजी सीख सकते हैं। थर्ड स्टेप बैक फ्लिप। अगर आपकी बैक हैंड स्प्रिंग क्लियर हो तो आप बैक फ्लिप ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। और बैक फ्लिप करने के लिए 2 अलग अलग टाइप होते हैं, या तो आप बैक हैंड स्प्रिंग के साथ बैक फ्लिप कीजिए या फिर आप डायरेक्ट बैक फ्लिप कर सकते हैं। तो बैक हैंड स्प्रिंग के साथ करने के लिए सबसे पहले आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना पड़ेगा, बट बैक हैंड स्प्रिंग करें तो ज़्यादा हाइट और ज़्यादा प्रेशर से बॉडी को अप फेंकें। अगर आप ज़्यादा अप फेंकोगे और लेग क्लोज करोगे तो धीरे धीरे आप क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस बैक हैंड स्प्रिंग करना है और ज़्यादा हाइट पे करना है। डायरेक्ट बैकफ्लिप करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि बैकफ्लिप करते समय अपने हाथों को पूरे प्रेशर के साथ पीछे करना है और उसी प्रेशर को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने पैरों को क्लोज लेकर आना है और टर्न करना है, जिससे आप बैकफ्लिप क्लियर कर सकते हो।